ये है फेब का मंथ, और फेब का मंथ यूरोप का वन ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ होता है। सो हमने सोचा क्यों ना इस यूरोपियन विंटर को एंजॉय किया जाए, एंड इसीलिए हम लोग जा रहे हैं एक वीकेंड गेटअवे के लिए, जस्ट एंड जस्ट टू एक्सपीरियंस एंड एंजॉय द स्नो। सो कम अलोंग। जब यूरोपियन विंटर्स की बात आती है तो शायद पहला ख्याल जो मन में आता है वो है द मिस्टिकल एल्प्स, जो कि इस टाइम ऑफ द ईयर और भी अमेजिंग लगते हैं एज दे आर कवर्ड विद स्नो। इस वीकेंड ब्रेक के लिए हम जा रहे हैं इन्हीं एल्प्स से लगे हुए ऑस्ट्रिया के ऑस्टाल रीजन में, जो कि दोनों विंटर एंड समर सीजन की पॉपुलर डेस्टिनेशन है। एंड ऑस्टाल रीजन में हम अपना बेस बनाएंगे एक छोटे से स्की रिजॉर्ट टाउन ओएट्स में, एंड वहां से हम एक्सप्लोर करेंगे पास ही में सिचुएटेड ऑस्ट्रिया का हाईएस्ट स्की रिजॉर्ट क्यूटाय। बिकॉज हम ट्रैवल कर रहे हैं बाय रोड, एंड ऑस्ट्रिया में ड्राइव करने के लिए हमें चाहिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। इसी के लिए हमने लगाया एक पिट स्टॉप ऑस्ट्रियन बॉर्डर के पहले एक फ्यूल स्टेशन पर। सो यहाँ के पेट्रोल स्टेशंस पे आपको ऐसी क्लीनिंग बकेट्स मिल जाती हैं। लास्ट ट्रिप के बाद में मेरी गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा एटलीस्ट गाड़ी के विंडोज तो क्लीन कर लिए जाए। सो बिकॉज यहाँ पे रिफ्यूलिंग के लिए हम लोगों ने एक पिट स्टॉप लगाया ही है, एंड बिकॉज ऑस्ट्रिया में विनियट की जरूरत पड़ती है, सो कम लेट्स बाय द विनियट आल्सो। विनियट अवेलेबल होता है स्टिकर या डिजिटल फॉर्म में, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ बिकॉज इट सेव्स मी फ्रॉम स्टिकिंग द विनियट ऑन टू द विंडशील्ड ऑफ माई कार। विनियट के बाद खुद को थोड़ा सा रिचार्ज करने के लिए हमने उठाई एक क्विक कॉफी, एंड निकले हम फॉर आर एंट्री इनटू ऑस्ट्रिया। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि डिजिटल विनियट अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो इट्स वैलिड ओनली आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स ऑफ परचेज, बट अगर आप इस तरह से डायरेक्टली किसी POS काउंटर से खरीदते हैं तो इट्स वैलिड इमीडिएटली। सो बस जैसे जैसे हम आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, एप्स हमारे और भी पास आते जा रहे थे। एंड फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर। सो ये है हमारा शैले जहां पे हम लोग रुके हुए हैं। इस शैले की लोकेशन इज जस्ट अमेजिंग। ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। ये फेब का महीना है, सो आइडियली यहाँ पे स्नो होनी चाहिए थी, बट ये साल का विंटर थोड़ा सा अलग है। बट नेवरदलेस हम लोगों को काफी स्नो देखने को मिली हॉक ओएट्स में, जो कि ओएट्स का मेन स्की एरिया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि वहां की स्नो कैसी दिखती है। ये है हॉक ओएट्स, जो कि है एक पॉपुलर स्की रिजॉर्ट। वेल, हमने भी यहाँ पे स्की प्रैक्टिस की, जो हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। अगर आप स्की नहीं भी कर रहे हैं तो भी यहाँ ऊपर आ सकते हैं केबल कार लेके टू दिस पैनोरामा रेस्टोरेंट विद दिस अमेजिंग व्यूज, एंड यहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं एक अच्छी सी मील हमारी तरह। सो ओएट्स पड़ता है ऑस्ट्रिया के टायरोल रीजन में, एंड ये पॉपुलर है बोथ समर एंड विंटर के लिए। समर में बिकॉज इसके पास हैं बहुत सारे हाइकिंग पाथ्स, एंड विंटर में फॉर स्कीइंग। जस्ट एज हमने अपना एक्सप्लोरेशन शुरू किया, हमें मिला ये छोटा सा लोकल स्टोर। इसमें है वाइड वैरायटी ऑफ लोकल डेलिकेसीज लाइक ऑयल्स, जैम्स, बहुत सारे मीट ऑप्शंस एंड अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ लिक्योर्स। अच्छी जगह थी ये,
अगर आप अपने साथ कुछ लोकल फूड ले जाना चाहते हैं एज ए सुवेनिया। एक चीज जो हमने नोटिस की इस टाउन में एंड यहाँ के नेबरिंग टाउन्स में भी, वो है ये ब्यूटीफुली पेंटेड वॉल्स। हमने देखे कई घर जो इंट्रिकेटली पेंटेड थे, एंड अगर आप ध्यान से देखें तो मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स एक थीम या स्टोरी डिपिक्ट करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग वेंडिंग मशीन कॉन्सेप्ट है जिसमें है प्रोड्यूस इसी के पीछे वाले फार्म से, लाइक चीज, एग्स, योगर्ट एंड मोर। व्हिच योगर्ट डू यू वांट? आप बस अपना प्रोडक्ट चूज कीजिए, नंबर सेलेक्ट कीजिए, पे करिए एंड देयर यू हैव बिल्कुल फार्म फ्रेश प्रोड्यूस। मैंने चूज किया ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट एंड मुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। खाने के लिए यहाँ काफी कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं। एंड हम गए इस कैफे रेस्टोरेंट में आज के लंच के लिए। तो लंच के लिए हम आए हैं ऑयट्स के कैफे हाइनर में। ये कैफे बहुत ही सुंदर है एंड यहाँ का मेन्यू भी बहुत इलैबोरेट है। वेजिटेरियंस के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है एक वेजिटेरियन पिज्ज़ा और एक ऑमलेट। देखते हैं कैसा होता है। पेट पूजा के बाद हमने थोड़ी सी वॉक की सिटी में एंड फिर हम निकले चेकआउट करने यहाँ का हाईएस्ट स्की रिजॉर्ट क्यूटा। एंड यहाँ आकर तो ऐसा लगा कि हम लिटरली एल्प्स के ऊपर चल रहे हैं। इस जगह की फील कुछ अलग ही थी। स्नो तो अमेजिंग थी बट वी वर लॉस्ट कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। सो हम गए यहाँ के इंफॉर्मेशन सेंटर में। सो हम हैं अभी ऑयट्स के पास कुथाई रीजन में एंड ये जो कुथाई रीजन है ये ऑयट्स से 1200 मीटर ऊपर है एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो है। हम यहाँ पे आए थे तो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए बट लगता है यहाँ की मेन एक्टिविटी स्कीइंग ही है। अब हम लोग ढूंढेंगे एक अच्छा सा कैफे एंड ट्राई करेंगे सम पाइपिंग हॉट कॉफी। शाम का टाइम था एंड लगता है सारे स्कीयर्स अपनी डे एक्टिविटीज के बाद रेस्ट कर रहे थे। सो टाउन हमें काफी खाली मिला एंड बाहर इतनी ठंड थी कि हमने भी ढूंढा ये कैफे जो एक होटल के अंदर था एंड यहाँ किया अपने को वार्म गर्मा गर्म कॉफी एंड केक के साथ। टोटल ब्लिस आफ्टर दैट -14 डिग्रीज आउटसाइड। It's
परफेक्ट ब्लैक कॉफी के साथ में एक परफेक्ट पेयरिंग है श्वार्ज़वाल्ड किर्शटोडे की, जिसे ब्लैक फॉरेस्ट केक भी बोलते हैं। सो इस स्वीट नोट पर हम निकले वापस ओइट्स के लिए, जहां हम स्टे कर रहे थे। वेल, ये विंटर वीकेंड ब्रेक था जस्ट टू एंजॉय द स्नो, एंड आई एम हैप्पी कि हमें अच्छी स्नो देखने को मिली। सो अब हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, जहां हम दिखाएंगे आपको अपना स्की एक्सपीरियंस। सो टिल वी मीट अगेन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू वेरी वेरी सून।